अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव राजेश धर्माणी ने राजस्थान की कांग्रेस पार्टी की गहलोत सरकार की उस घोषणा का स्वागत किया है जिसमें उसने कोई भूखा नहीं सोएगा के उद्देश्य से 213 नगर निकायों और कॉरपोरेशनों आदि में इंदिरा रसोई योजना के अधीन तुरंत प्रभाव से 358 रसोइयां चालू कर रखी हैं। राजेश धर्माणी ने कहा कि राजस्थान सरकार ने अपने इस जनहितैषी निर्णय से ये प्रमाणित कर दिया है कि वे वास्तव में ही अपने प्रदेश के निर्धन वर्गों का हित चिंतन करती है और किसी को भी भूखा पेट सोने नहीं देगी। राजेश धर्माणी ने कहा कि किसी महान व्यक्ति को श्रद्धांजलि देने का इससे अच्छा कोई साधन नहीं हो सकता है, क्योंकि इंदिरा गांधी ने आयु पर्यंत गरीबी को समाप्त करने के लिए दिन रात निरंतर प्रयास किए थे। उन्होंने कहा कि इससे पूर्व भी कांग्रेस पार्टी और संयुक्त कांग्रेस सरकारें अथवा गैर भाजपा सरकारें 10 रुपए प्रति व्यक्ति हर रोज पेट भरकर भोजन देने की व्यवस्था कितने ही स्थानों पर किए हुए हैं, किंतु ये प्रथम बार है कि किसी राज्य सरकार ने इससे भी कम 8 रुपए में भरपेट भोजन की व्यवस्था की है। राजेश धर्माणी ने कहा कि इस योजना से मजदूर वर्ग अत्यंत कम आय वाला वर्ग इसलिए भी लाभ उठा पाएंगे क्योंकि इन रसोई घरों में बिना किसी भेदभाव के सुबह शाम पौष्टिक भोजन दिया जाया करेगा। राजेश धर्माणी ने बताया कि गहलोत सरकार का ये प्रथम प्रयास है, इसलिए प्राथमिक स्तर पर इस योजना का शुभारंभ रेलवे स्टेशनों, बस स्टैंडों, अस्पतालों और आमतौर पर भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में किया गया है।